Hey guys, welcome back to the channel. So today we are in Malvan. Hope you would have seen the previous video. So today is our second day and look at this beautiful morning with this beautiful sunrise. So we are at Malvan, staying at Devbagh, and look at this beautiful resort we are living in. We are going to spend time today in Malvan, in Devbagh, and they are going to leave for the Kunkeshwar temple. So we are going to enjoy our time in Devbagh in the first half, have some cool boat rides. So shayad aapne kal ka video dekha hoga, last video. Uske baad ye hamara second day hai Malvan mein. So aaj hum Malvan mein aadha din bitane wale hain aur uske baad hum jaane wale hain Kunkeshwar mandir, jo ki bahut famous mandir hai Konkan mein. And we are spending good quality time with my family, having some fresh coconut water here and some masti at the beach. So family ke saath kafi acha waqt bitane ka mauka mila. So this is Devbagh Sangam Beach, which is very popular in Konkan, in South Konkan. So ye Devbagh Beach hai, Devbagh Sangam kaha jata hai isko. So yahan pe aaj hum aaye subah subah, मंदिर में दर्शन भी लिया. उसके बाद वी कैप्चर्ड सम कूल ड्रोन शॉट्स हियर. लुक एट दिस ब्यूटीफुल संगम. यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख ही रहे होंगे. उसके बाद वी वेंट फॉर डॉल्फिन राइड. डॉल्फिन देखने के लिए हम बोट राइड लिया हमने. उसके बाद स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम हियर एट देवबाग संगम. एंड राइट नाउ इट्स टाइम टू leave for the next place, which is approximately 50 kilometers from Malvan, from Devbagh, which is called as Kunkeshwar Mandir. So here we are. We had some yummy lunch, Konkan special fish, and then some fruits, mangoes, Alfonso in Devgarh, which is most popular. And here we are at Kunkeshwar temple here, which is just beside the beach. इतना सुंदर मंदिर है कि बीच के साइड में ही है और बहुत पुराना और बहुत फेमस मंदिर है, तो वो भी हम आज विजिट करने वाले हैं. सो दिस इज़ द प्लान गाइस, जॉइन मी इन दिस वीडियो. सो इट्स दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ द सेकेंड डे एट Malvan. आज दूसरा दिन है हमारा और सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट. इट वॉज 5:45 AM. मैं उठ गया और आई जस्ट वॉन्टेड टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल सनराइज. जो हमारा रिसॉर्ट था वो बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन में था, तो वी वर लकी टू विटनेस यस्टरडे नाइट मून राइज ऑल्सो एंड दिस मॉर्निंग सनराइज ऑल्सो. लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनराइज हियर. सन इज जस्ट कमिंग अप. अभी अभी सनराइज हो रहा है, तो क्योंकि इट वॉज समर सीजन, बहुत जल्दी हो रहा था, बहुत अर्ली मॉर्निंग. तो सिर्फ इसी को देखने के लिए हम लोग उठ गए जल्दी. एंड इट वाज वर्थ इट, क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारा था. हालांकि मैंने मेरे पुराने फ़ोन में ये शॉट लिया, तो इतना क्लियर नहीं आया होगा. ये बहुत ही सुंदर था नज़ारा यहाँ पे. और हालांकि इट वाज समर सीज़न यहाँ पे, बिकॉज दिस रिसोर्ट बींग जस्ट बिसाइड द रिवर, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रीज आ रहा था सुबह सुबह. काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी सुबह. सो इट वाज वेरी आई मीन प्लेजेंट काइंड ऑफ फीलिंग, कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे. सो सुबह उठने के बाद भी ऐसा कुछ गम नहीं होगा आपको, ऐसा प्लेस है ये. सो वी स्पेंड सम गुड टाइम हियर इन द मॉर्निंग विद फैमिली एट सम चिट चैट एंड जस्ट केप्ट ऑन सीइंग दिस ब्यूटीफुल सनराइज. पानी का लेवल थोड़ा कम हो चुका था. यही वो रिवर है जो संगम, देवबाग संगम को जाके मिलता है, जहाँ पे हम कुछ ही देर पर जाने वाले हैं अभी. सो हालांकि अभी अब देख रहे होंगे कि पानी नीचे जाने की वजह से बोट भी काफ़ी यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ मड में आ गई थी. एंड सो ये यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा था. जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था, वैसे वैसे और ब्यूटीफुल हो रहा था वो. एंड आई जस्ट सॉर्ट ऑफ सेटिंग हियर, स्पेंडिंग सम टाइम यहाँ पे बैठ के सिर्फ देखने का मन कर रहा था, क्योंकि ये नज़ारा ही काफ़ी अलग था.
क्योंकि ऐसा सनराइज़ मैंने आज तक नहीं देखा था। इतने जल्दी ज़्यादा मैं उठता नहीं हूँ, आई जनरली वेक अप वेरी लेट, सो बट आई वोक अप जस्ट फॉर सीइंग दिस सनराइज एंड इट वॉज़ वर्थ इट। इट वॉज़ डैम ब्यूटिफुल हियर। काश मेरा का कैमरा थोड़ा अच्छा होता ताकि मैं अच्छे तरह से इसको शूट कर पाता। बट मतलब यहाँ पे ब्रीज़ भी आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा सुबह, और ये सनराइज़ तो काफ़ी अच्छा माहौल हुआ था। उसके बाद सो एज अ सेड टुडेज प्लान इज़ टू विजिट देवबाग संगम बीच एंड उसके बाद कुंकेश्वर। सो वी वर जस्ट गेटिंग फ्रेशनड अप यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ब्रीज भी अच्छा आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी देर और सनराइज़ देखने के बाद थोड़ी देर और रेस्ट किया जाए यहाँ पे, क्योंकि झूले पे थोड़ा ब्रीज के साथ थोड़ा एक छोटा सा नैप लेना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आई फाइनली वोक अप, आई स्लेप बैक एंड वोक अप एट 7:30 अगेन, और अभी फ्रेश होना था क्योंकि अभी मेरे सिस्टर को जाना था फॉर दिस स्कूबा डाइविंग ईयर एंड वी वांट टू गो टू अ टेम्पल ईयर नियर बाय। सो आई जस्ट बाय द टाइम दे फ्रेशन अप आई कैप्चर दिस कूल ड्रोन शॉट्स। सो डू इन्जॉय दिस ड्रोन शॉट्स, एवरी शॉट इज़ ब्यूटिफुल ईयर। जस्ट आई थिंक द ड्रोन शॉट्स आर फॉर 5 मिनट्स, अभी 5 मिनट आगे तक ड्रोन शॉट्स ही है, 5 से 10 मिनट, लेकिन काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट्स आए थे सुबह सुबह। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, मतलब ये कोकन का टिपिकल तर्ड कोकन जिसको क्या कहा जाता है, जो साउथ में है ज़्यादा, क्लियर वाटर और काफ़ी मतलब नारियल के पेड़ और बहुत सारे मतलब दिस रिसोर्ट प्लेस वेयर वी स्टेड हियर लास्ट नाइट, वो काफ़ी अच्छी जगह थी रिवर साइड, और यहाँ पे माड़ के पेड़, नारियल के पेड़ और जस्ट बिसाइड द रिवर, तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। एंड यही रिवर आगे जाके मिलता है जैसे कि मैंने बताया देवबाग संगम को, और अभी कुछ ही देर में सारे बोट्स निकलने वाले थे क्योंकि सुबह 7 बजे से ही बोट राइड शुरू होते थे, तो यही यहाँ पे आप कुछ देर में ही देखोगे कि बोट्स यहाँ पे निकलने लगेंगी। सो ये रिसॉर्ट का मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, इसका GPS कोऑर्डिनेट्स वगैरह, क्योंकि ये अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। दिस रिसॉर्ट इज़ नॉट ऑनलाइन येट ऑन एनी ऑफ द OTAs और एनी ऑफ द मेक माई ट्रिप्स और गो एवी बूज और नॉट इवन एनी देर ओन वेबसाइट। सो दिस इज जस्ट गेटिंग बिल्ट अप, अभी बन रहा है ये। सो इसलिए आई विल ड्रॉप लोकेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस प्लेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पर्सन ऑल्सो हियर, द ओनर ऑफ दिस रिसॉर्ट। सो काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट है एंड क्वाइट अफोर्डेबल, जस्ट 2500 रुपीज पर नाइट, काफ़ी अफोर्डेबल है कंसिडरिंग देवबाग, दिस मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन कोंकण। सो इसका जो बगीचा था वो काफ़ी मतलब बहुत बड़ा था इसका बगीचा, और जैसे कि मैंने यहाँ से अभी ड्रोन शॉट दिया आपको पूरा अंदाज़ आ जाएगा कि कहाँ पे है एग्जैक्टली ये रिवर साइड। काफ़ी लंबा ड्रोन शॉट लेने वाला हूँ मैं अभी। सो यहाँ पे आप पूरा रिवर का बैंक देख सकते हो, यू कैन सी द होल रिवर बैंक हियर राइट टिल द एंड ऑफ दिस देवबाग संगम बीच, तो रिवर वेयर द रिवर मिट्स द सी, और साथ ही साथ ये ब्यूटीफुल सनराइज। तो आई वॉज लकी इनफ टू कैप्चर दिस ड्रोन शॉट्स, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेके। और जैसे कि मैंने कहा अभी बोट्स निकल रही थी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कैमरा में, तो इट वॉज़ ऑलमोस्ट 8 o'clock अभी निकलने का टाइम हो रहा था। तो ये सब जाते हैं बोट्स सुनामी आइलैंड, जो कि हम कल जाके आए। इफ़ यू नॉट सीन दिस वीडियो प्लीज़ डू वॉच माई अर्लियर वीडियो डे 1 ऑफ मालवन, बेसिकली पैरासेलिंग एंड सम स्नॉकलिंग एंड कायाकिंग राइड्स ऑल्सो। सो देर इट इज़, द बोट इज़ गोइंग टू वर्ड्स द सुनामी आइलैंड। अभी पानी बढ़ना शुरू हुआ था और इसीलिए वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई नहीं देगा सुनामी आइलैंड। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल रिवर बैंक, एज आई सेड मतलब एंड
तक, देवबाग संगम तक आपको नारियल के पेड़ पूरे नदी के साइड में दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, सो डू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस इन लाइफ, देवबाग, मालवन, तारकरली, ऑल आर नियर बाय। तो कहीं भी आप रुक के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सब। सो वी गॉट फ्रेशनड अप, इट वॉज ऑलमोस्ट 9 AM। अभी हम फ्रेश हो चुके थे सभी और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर माई सिस्टर टू लीव फॉर स्कूबा डाइविंग हियर एंड वी वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल एंड देवबाग संगम बीच। और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा होस्ट ने हमें बहुत सारा अच्छा नाश्ता दिया, ब्रेकफास्ट दिया, सो वी हैड प्रीटी यमी ब्रेकफास्ट विच इज़ वेरी फेमस इन कोंकण, जो बाकी जगह नहीं मिलता, कॉल्ड एज घावने एंड सम सोल कड़ी एंड उसके साथ नारियल की चटनी। तो बहुत अच्छा था। वी जस्ट प्लेइंग विथ आर नेफ्यू यहाँ पे, हमारे भांजे के साथ मैं और मेरी माँ खेल रहे थे। वी जस्ट प्लेइंग एंड स्पेंडिंग सम गुड क्वालिटी फैमिली टाइम योर एंड दिस वॉज वेरी आई वुड से काम एंड प्लेजेंट प्लेस। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कुछ भीड़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी ये नया बन रहा है, तो हालांकि अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही थी, शायद कुछ दिनों में बन जाए, बट इसलिए अभी मतलब ये प्लेस काफ़ी अच्छा है अगर आपको मतलब क्राउड से दूर आना है। एंड इट वॉज नाउ टाइम फॉर हैविंग सम फ्रेश कोकोनट वाटर, तो यहाँ के ओनर ने हमें ताज़ा निकाल के दिया पेड़ से नारियल, और उसी से फ्रेश कोकोनट वाटर वी एंजॉयड। एंड दिस इज प्रिटी, आई मीन दिस होस्ट आर एंड द ओनर आर वेरी वेरी नाइस पीपल हियर, काफ़ी अच्छे तरह से होस्ट किया था उन्होंने, और मतलब दे डोंट इवन कॉस्ट फॉर सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स, मतलब जनरली करते हैं होटल्स वाले, बट ये आप रिसॉर्ट या फिर होम स्टे ऐसे जगह पे जाओगे तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो ये फ्रेश कोकोनट वाटर अलॉन्ग विथ दिस ब्यूटिफुल प्लेस, और यहाँ पे मैं अभी मॉम को लेके जा रहा था नारियल पानी देने। सो व्हाट आई मीन, ये यहाँ का मालवन का स्पेशल थिंग्स ये है कि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक फूड मिल जाएगा। So the speciality of this place, Malvan and Devbagh, is you'll get authentic food here to test and fresh coconuts. And then we went to this temple, the Moreshwar temple and Devbagh Sangam beach. So here we are. So yeah, resort se halaki kafi paas tha ye, I think max 1.5 to 2 kilometers from our resort, jahan pe ye the land ends. And this is the temple I was talking about. तो मोरेश्वर मंदिर इसका नाम है, तो ये देवबाग संगम बीच के थोड़ा ही पहले है, यहाँ से ही यहाँ पे ही पार्किंग हो जाता है और आप आगे देवबाग संगम बीच पे जाते हो। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ देवबाग संगम बीच वेयर द लैंड्स एंड, और यहाँ पे दोनों साइड पे समुंदर है, बेसिकली रिवर एंड समुंदर दोनों साइड में पानी है। सो आपको थोड़ी देर में ड्रोन शॉट में पता चल जाएगा। तो दिस इज़ द ओनली सच प्लेस आई थिंक इन कोंकण जो जहाँ पे दोनों साइड में पानी है और एग्जैक्टली बीच में ये छोटा सा लैंड आ जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट यूनिक प्लेस हियर इन कोंकण विच हैज़ वाटर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लैंड, तो द लैंड गेट्स नैरोड एट द एंड टिल द एंड। सो यहाँ पे आपको यू सी इन अ वाइल इन द ड्रोन शॉट्स हियर द कंप्लीट व्यू from the top.
सो हियर आई हैव कम. सो दिस द लैंड्स एंड, यहाँ पे एंड हो जाता है. तो जो आप सामने देख रहे हो दैट्स क्रोकोडाइल पॉइंट दैट वी सॉ यस्टरडे राइड, वेल ऑन अ बोट राइड. तो जो बोट राइड में हमने कल देखा था क्रोकोडाइल पॉइंट, ये संगम बीच और द सुनामी आइलैंड एंड सम अदर पॉइंट्स दैट वी सॉ ऑन दी बोट राइड यस्टरडे, तो यही प्लेस है. हालांकि हम कल उस समुंदर में थे, अभी आज हम लैंड पे हैं. सो शायद ये आपने प्लेस बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, बट यू वुड हैव थॉट कि कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस है. सो दिस इज़ देवबाग, देवबाग संगम बीच. देवबाग इज़ द एंड ऑफ द लैंड. उसके थोड़ा आगे जाते हो आप टूवर्ड्स मालवन तो तारकरली आ जाएगा, जहाँ पे स्कूबा डाइविंग का इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, MTDC का. और उसके बाद मालवन आता है. सो मालवन से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स है. सो दिस इज़ अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स फ्रॉम मालवन, स्मॉल विलेज कॉल्ड एज देवबाग. सो इन केस यू वांट टू विजिट, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे. सो वी आर लकी इनफ क्योंकि वी केम अर्ली इन द मॉर्निंग, सो वेरी लेस क्राउड वाज देयर, हार्डली 5 to 6 पीपल वर देयर. And we were enjoying again. My nephew was enjoying this place. क्योंकि भीड़ में बच्चे डर जाते हैं, but हालांकि अभी यहाँ पे भीड़ नहीं था. तो सुबह सुबह जल्दी आने का यही फ़ायदा है. So the benefit of coming early in the morning is that you won't get much crowd here and you can enjoy your own time here. And यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर शाम में, any of the time is good. दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, स्पेशली इन समर सीज़न. बट द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज डेफिनेटली विंटर सीजन. वी वर अ बिट लेट बट स्टिल वी एंजॉयड इट, बिकॉज हमारा रिसोर्ट भी रिवर साइड था, तो काफ़ी अच्छा ठंडा लग रहा था रिवर साइड. और नाउ इट्स टाइम टू टेक सम कूल ड्रोन शॉट्स हियर, तो डू एन्जॉय दिस. एंड आई वॉज ऑल्सो एन्जॉइंग हियर. बेसिकली पूरा खुला समंदर, दोनों साइड में पानी और ये लहरें, तो काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा टाइम था. वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ, क्योंकि ऐसे प्लेसेस बेसिकली आई एम अ बीच पर्सन, बीच वाला पर्सन बेसिकली, हु लाइक्स बीच एंड रदर देन माउंटेंस. एंड बेसिकली कोंकण along with your family, what else you want. So here are the cool drone shots approx for 5 to 7 minutes. Do enjoy this. I'll come back in 5-7 minutes when we are going to leave this place and go for Kunkeshwar. So this is Devbagh, guys. Look at this beautiful place. Dekha hai apne kahi yahan pe? तो शायद ही आपने देखा होगा ऐसा प्लेस. बहुत कम जगह है ऐसी जो इतनी सुंदर है.
so this was the end of the drone shots, and here we leave from Devbagh Sangam Beach to our back to our resort. So काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे. We spent almost 1.5 hours here. तो काफ़ी अच्छा place था. मतलब आप 2-3 घंटे आप यहाँ पे रख सकते हो इस place के लिए. एंड जिसकी मैंने कहा दोनों साइड पे यहाँ पे आपको पानी है. सो दिस इज़ द सी साइड एंड द अदर साइड वॉज द रिवर साइड वेयर वी स्टेड. तो नाउ वी आर गोइंग बैक एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल विलेज. यहाँ से बीच में से रोड जाता है. छोटा सा ही पैच है लैंड का, बट उसमें से भी ये स्मॉल रोड जाता है. काफ़ी अच्छा है. हालांकि कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि इट्स वेरी नैरो. यहाँ पे ज़्यादा मतलब हालांकि और से वन वे काइंड ऑफ अ रोड है. तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है कभी कभी, स्पेशली इन द सीज़न. ऑफ सीज़न में कुछ ज़्यादा नहीं होता, बट प्रेफर गोइंग बाई बाइक हेयर क्योंकि कार लेके जाते हो तो थोड़ा ट्रैफिक लग सकता है. तो यहाँ पे रेंट पे बाइक्स भी मिल जाते हैं आपको मालवन में, तारकरली में. देवबाग में थोड़े कम मिल जाते हैं, बट मिल जाते हैं. सो अप्रॉक्स 300-400 रुपीज़ पर डे स्कूटी वगैरह. एंड हेयर वी आर वेयर बैक. एज आई सेड दीज आर कोंकण स्पेशल घावने और नारियल की चटनी. मैंने कहा ये ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, कोंकण में ही मिलती है. एंड देन वी लेफ्ट. वी हैड सम वेरी गुड मील हेयर. कुंगत स्पेशल बेसिकली इनकी जो सोल कड़ी होती है ना, काफ़ी यमी होती है सोल कड़ी. एंड सो दिस इज वेज प्लेट एंड दिस इज नॉन वेज बेसिकली फिश लवर्स. सो अनदर गुड थिंग ऑफ कोंकण आई वुड से और मालवन, दैट फिश. एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर कुंकेश्वर. वी वर एन्जॉइंग स्टॉप्स इन बिटवीन हैविंग सम फ्रूट्स एंड द कोंकण स्पेशल ऑल्फोंसो. सो द वर्ल्ड स्पेशल आई वुड से द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फ्रूट अल्फोंसो मैंगो. सो दिस इज़ देवगढ़ गाइस. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, आपने सुना ही होगा देवगढ़ हापुस, देवगढ़ स्पेशल हापुस आंबा, देवगढ़ स्पेशल ऑल्फोंसो मैंगो. सो दीज आर दिस. सो दिस इज़ द देवगढ़ टाउन विलेज आई वुड से, जहाँ पे सबसे बेस्ट आई वुड से कोंकण के मैंगोज होते हैं. तो राइट फ्रॉम द फार्म वेंट टू अ विलेज इनसाइड, डीप इनसाइड, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स. और जैसे कि आप देख रहे हो पूरे लंबे के लंबे बगीचे हैं यहाँ पे आम के. तो सो दैट्स वाई दिस फेमस प्लेस इज कॉल्ड एज ऑल्फोंसो स्पेशल, और मे बी द विलेज आर ऑल्सो नोन एज आम्बे गाँव. सो वी एन्जॉयड सम फ्रेश फ्रूट्स देयर, सो मैंगो ऑर्गेनिक. एंड देन वी लेफ्ट फॉर कुंकेश्वर. एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, आज हम कुंकेश्वर टेम्पल जाने वाले. सो इट्स अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स फ्रॉम मालवन. इट्स ऑन द वे फ्रॉम मालवन टू रत्नागिरी. सो एज यू कैन सी ये समुंदर के काफ़ी पास है, समुंदर से लगे ही ये टेम्पल है. दिस इज जस्ट बिसाइड द सी. नाउ वी आर गोइंग अप. वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल, वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल विलेज हियर. एंड एज यू कैन सी दिस व्यू राइट फ्रॉम द टेम्पल. तो समुंदर का नज़ारा मिल जाता है यहाँ से, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी ओल्ड, काफ़ी टिपिकल कोंकणी टेम्पल दैट वी से. मतलब पुराने तरह का स्ट्रक्चर और काफ़ी अलग, मतलब जैसे कि आपने मूवीज़ में, मराठी मूवीज़ में ज़्यादा देखा होगा या फिर पुराने हिंदी मूवीज़ में भी देखा होगा. तो ये इनका जो नक्शी काम या फिर ये इनका जो डिज़ाइन रहता है काफ़ी अलग रहता है. अभी थोड़ा रिनोवेशन भी हो रहा था यहाँ पे, जो कि ये नया काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. और मतलब ये यहाँ पे ये गांव में जो टेम्पल्स होते हैं यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अलग ही लग जाता है एज़ कम्पेयर टू दी क्राउडेड सिटीज़. तो इनके जो गांव के जो मतलब डिज़ाइंस भी होते हैं टेम्पल्स के काफ़ी अलग होते हैं. एंड दिस इज़ क्वाइट फेमस टेम्पल कुंकेश्वर मंदिर. आई ऑल्सो ड्रॉप दी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, बट दिस इज़ क्वाइट फेमस, नॉट नीडेड एज वेल. बट अभी हम अंदर जा रहे थे अंदर, हालांकि कैमरा अलाउड नहीं था तो आई कुड शूट टिल हियर ओनली.
तो काफ़ी सुंदर मंदिर था, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज इसका प्लेस मेक्स इट यूनिक, जस्ट बिसाइड द सी, यहाँ से आपको पूरा समंदर का व्यू मिल जाता है और काफ़ी काफ़ी कम भीड़ थी यहाँ पर। दिस इज़ एज एट ऑफ गणपतिपुए, गणपतिपुए तक थोड़ा क्राउडेड रहता है, बट दिस प्लेस इफ यू वांट टू स्पेंड सम पीसफुल टाइम और मे बी काम और मतलब शांति से यहाँ पे किसी टेंपल पे आना है और मेडिटेशन के लिए वगैरह, दिस इज़ द प्लेस गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, वी लेफ्ट फॉर our next place which is coming up in the next video, so stay tuned, we are going to cover Ratnagiri, Powys and Kasheri, so see you soon.